वेलकम डियर, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द एसे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. दिस एसे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड इज टेकन फ्रॉम द सेकेंड बुक ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट टू. यूजिंग द साइंटिफिक मेथड इज रिटन बाय डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड्स. Now I will discuss with you not only important but also very very important short questions of the essay using the scientific method. The first question, that one is important. How has the scientific method helped us in our fight against disease? Science asoolon ne bimariyon ke khilaf hamari jang mein kaise madad ki hai? The answer is that due to the scientific method, science tarikekar ki wajah se we have controlled diseases, humne bimariyon par kabu pa liya hai. As the babies are born in hospitals, jaisa ke bacche hospitalon mein paida hote hain, there are less possibilities of their suffering from any disease, to bahut kam imkanat hain ki wo kisi bimari mein mubtala hon. So we have overcome diseases by the use of scientific method. पर साइंसी तरीक़ाकार की वजह से हमने बीमारियों पर काबू पा लिया है. Question number टू, that one is very very important. Write a note on the better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago. हमारे शहरों में मुयस्सर बेहतर सफाई सुथराई के मौजूदा हालात पर नोट लिखें और इनका 100 साल पहले के हालात से मुवाजना करें. द आंसर इज़ डैट सैनिटरी कंडीशंस इन आवर सिटीज़ इन द प्रेजेंट टाइम आर वेरी गुड. मौजूदा हालात में या मौजूदा दौर में हमारे शहरों में सफाई सुथराई के इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं. द सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, शहर की गलियां पक्की हैं एंड वेल ड्रेन्ड और वहां निकासी का मुनासिब इंतज़ाम है. सीवेज इज़ कैरीड थ्रू सील्ड पाइप्स, जो शहरों का गंदा पानी है बंद पाइपों के ज़रिए तल्फ करने वाली जगहों पर लाया जाता है. 100 years ago, 100 साल पहले द सिटी स्ट्रीट्स वर अनपेव्ड, जो शहर की गलियां थी वो कैसी थी, कच्ची थी, पुअरली ड्रेन्ड, निकासी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं था एंड हीप्स ऑफ गारबेज वर सीन एवरीवेयर, और हर जगह पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर देखे जा सकते थे. क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैट वन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. वट आर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेजेस टडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम. हमारे देहातों के सफाई सुथराई के मौजूदा हालात क्या हैं, आप इन्हें कैसे बेहतर करेंगे. द आंसर इज़ डैट द सैनिटरी कंडीशंस इन आवर विलेजेस इन द प्रेजेंट टाइम आर नॉट गुड. मौजूदा हालात में या मौजूदा दौर में देहातों के सफाई सुथराई के इंतज़ामात अच्छे नहीं हैं. द अनपेव्ड एंड डर्टी स्ट्रीट्स, अब वहाँ गलियाँ कैसी हैं, कच्ची हैं और गंदी हैं, किसके साथ, विद पॉन्ड्स ऑफ डर्टी वाटर, के वहाँ पर गंदे पानी के तालाब बने हुए हैं. एंड हीप्स ऑफ गारबेज आर सीन एवरीवेयर, और हर जगह पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर देखे जा सकते हैं. द सिटी गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टू इट, जो शहर की इंतज़ामिया है जो शहर के महकमे हैं, उनको चाहिए कि वो इन मसाइल पर तवज्जो दें. क्वेश्चन नंबर फोर, डैट वन इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स. साइंसी तरीक़ाकार ने किस तरह खुराक की पैदावार और इन्हें महफूज करने में हमारी मदद की है. बाई द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैथड, साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए वी ग्रो मोर एंड बेटर फूड. हम अच्छी गज़ा और ज़्यादा गज़ा को पैदा कर रहे हैं टू फुलफ़िल द नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन.
बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, यानी बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ना सिर्फ ज़्यादा ग़ज़ा बल्कि बेहतर ग़ज़ा को हम पैदा कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो स्टोर आवर फूड्स, हम अपनी खुराक को महफूज कर सकते हैं एंड यूज़ देम द होल ईयर, और इस महफूज की हुई खुराक को सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने लेसन्स में डिफरेंट जो थे वो तरीके पढ़े थे जिनसे हम खुराक को महफूज कर सकते हैं, जैसे पिकलिंग था, फ्रीजिंग था और डिहाइड्रेशन था। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द साइंटिफिक मेथड, और ये मुमकिन हुआ है सिर्फ साइंसी तरीका कार की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5, डैट वन इज़ इम्पॉर्टेंट। वी आर जनरली लेस फियरफुल देन आवर एनसिस्टर्स, हम अपने आबाऊ अजदाद की निस्बत कम खौफजदा हैं। वट वर आवर एनसिस्टर्स अफ्रेड ऑफ, हमारे आबाऊ अजदाद किस से खौफजदा थे। आवर एनसिस्टर्स वर फियरफुल ऑफ मैनी बेसलेस सुपरस्टिशंस लाइक ब्लैक कैट, ब्रोकन मिरर्स एंड द नंबर 13। जो हमारे आबाऊ अजदाद थे वो रूहों, काली बिल्लियों, टूटे आइनों जैसे तोहमात पर यकीन रखते थे और वो इनसे खौफजदा थे। बट दीज थिंग्स डू नॉट अफेक्ट आवर लाइव्स इन द करंट कंडीशंस, मौजूदा हालात में इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगियों पर कोई असर नहीं है बिकॉज ऑफ आवर क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि हम तनकीदी सोच के मालिक हैं। यानी हमारे आबाऊ अजदाद जो थे उनकी निस्बत हम चीज़ों को क्रिटिकली लेते हैं, हम सोचते हैं कि किसी भी जो चीज़ जो है वो अगर हो रही है तो उसके पीछे क्या वजह है, यानी हम ब्लाइंडली अंधाधुंध उस पर यकीन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6, डैट वन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड इनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स, साइंसी तरीक़ाकार ने हमें किस तरह पुराने खौफ पर गालब आने के काबिल बनाया है। द आंसर इज़ डैट वी हैव लर्नड डैट देयर इज़ सम सॉलिड रीज़न फॉर एवरी हैपनिंग, कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक सॉलिड यानी एक पुख्ता वजह होती है। एंड डैट इज़ वाई, और इसी वजह से वी हैव नो बिलीव ऑन सुपरस्टिशियस थिंग, हम तोहमात पर यकीन नहीं रखते। फॉर्चून टेलिंग, किस्मत शनासी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इवल स्पिरिट्स, और जो रूहों पर यकीन रखने का अकीदा है, डू नॉट हैव एनी इफ़ेक्ट ऑन आवर लाइफ्स टुडे, आज उनका हमारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं है। यानी किस्मत शनासी और बदरूहों या बुरी रूहों या रूहों पर जो अकीदा है उसका आजकल के दौर में हमारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, डैट वन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। What part did astrology play in the lives of men and women in the past? माजी में इल्म फलकियात ने मर्द और ख़वातीन की ज़िंदगियों में क्या किरदार अदा किया? Give examples, मिसालें दें। The effect of fortune telling and astrology was great in the past, माजी में किस्मत शनासी और इल्म फलकियात का लोगों की ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर था। मैनी पीपल बिलीव्ड इन इवल स्पिरिट्स, बहुत सारे लोग जो थे वो रूहों के वजूद पर यकीन रखते थे। एंड दे वर अफ्रेड ऑफ मैनी सुपरस्टिशंस विदाउट एनी नेचुरल रीज़न, और वो बहुत सारी तोहमात पर ना सिर्फ यकीन रखते थे बल्कि उनसे खौफजदा भी थे। बट टडे, लेकिन आजकल इट इज़ नॉट सो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसको बड़ी डिटेल में लेसन में पढ़ा था अभी हमने, कि लोग जो थे वो नंबर जो था 13 उस पर यकीन रखते थे, काली बिल्लियों पर यकीन रखते थे, इसके अलावा टूटे हुए शीशों पर, लेकिन आज हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 8, डैट वन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन आवर कंट्री, हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन देम। हमारे मुल्क में अभी तक मौजूद चंद तोहमात बयान करें, ये इन लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे असर अंदाज होती हैं जो इन पर यकीन रखते हैं।
द आंसर इज डैट देयर आर सम सुपरस्टिशंस विच स्टिल हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ सम पीपल, कि अभी भी कुछ तोहमात मौजूद हैं जो कि कुछ लोगों की ज़िंदगी पर गहरा असर रखती हैं. इवन टडे, हत्ता के आजकल पीपल बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवल स्पिरिट, कि आज भी जो लोग हैं वो रूहों पर यकीन रखते हैं एंड कंसिडर देम द कॉज ऑफ एनी डिजीज़, और उन्हें किसी भी बीमारी की वजह समझते हैं. यानी आजकल का दौर जिसमें हम कहते हैं कि साइंसी तरीक़ाकार की वजह से बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, लोगों के लाइफस्टाइल में चेंज आया है, वहाँ अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रूहों के अकीदे पर यकीन रखते हैं और उसे किसी भी बीमारी की वजह करार देते हैं. वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म इज स्टिल प्रैक्टिस, अभी भी लोग तवीज़ पहनते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.